ऑयल सीड्स क्रॉप्स में जो हमारे पास टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक जो सल्फ़र है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक यील्ड होती है वो हम ऑयल सीड्स क्रॉप्स में सीरियल उसमें नहीं होते। सीरियल्स में जैसे ग्रेन्स होते हैं, पल्सेज में ग्रेन्स होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑयल सीड क्रॉप है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, तोरिया है, येलो सरसों है, ब्लैक सरसों है, गोभी सरसों है, सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, उसमें क्या है, उसमें ऑयल इकोनॉमिक यील्ड है। तो जो ऑयल ऑयल की फॉर्मेशन होनी होती है, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है वो सल्फ़र होता है। और सल्फ़र एक इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन के लिए सल्फ़र का होना उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम एक प्रीकर्सर होता है फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड से ही ऑयल बनता है, फैटी एसिड को ही हम ऑयल कहते हैं। तो जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, वो एक ऑयल है। तो अगर हम इसकी मतलब कि हम अगर हमने कोई ऑयल सीड क्रॉप लगाई है, जैसे मस्टर्ड लगाया है, तो उसमें हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम भी हमें मिल रहा है। अब वो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी मतलब कि जो सॉइल एग्रीगेशन में हेल्प करेगा कैल्शियम। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमें सल्फर अगर हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्रीज़ करना है और हमें सल्फ़र भी प्रोवाइड करना है सॉइल को, तो हम जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, CaSO4, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एज अ बेसल डोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सल्फ़र प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस तो कर ही रहा है, जैसे सिस्टीन और मेथिओनिन का इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है सल्फ़र, ये तो कर ही रहा है। ये तो हम सीरियल्स में भी देंगे उसको सल्फ़र फॉर सिस्टीन एंड मेथिओनिन फॉर्मेशन, हम उसको पल्सेज में भी देंगे, लेकिन ऑयल सीड्स क्रॉप्स में ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। तो जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 10 kg से लेकर 20 kg ऑप्टिमम होती है। अगर हम सल्फर ग्रो कर रहे हैं तो उसमें ऑप्टिमम अगर हमें डोज देनी है उस सॉइल को, तो जो कितना है वो 10 से लेकर 20 kg, ये डिपेंड करता है हमारे पास सॉइल किस टाइप की। अगर तो ये ज़्यादा भी जा सकते हैं, 15 kg पर हेक्टेयर भी जा सकता है, मतलब कि 25 kg पर हेक्टेयर भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये एसेंशियल हो जाता है हमारे पास कि हम उस सॉइल की टेस्टिंग करें, और जब हम उस सॉइल की टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो किस टाइप की हमारे पास सॉइल है, और हम उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम उसको एप्लीकेशन करेंगे सल्फर का। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फेट साल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम एज ए फोलियर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं हम इनको, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा हमारे पास, हम उसको एज ए बेसल डोज जैसे अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर हमें ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें ऑयल का एप्लीकेशन इसमें ज़रूरी करना है। जैसे हमने यहाँ पर अभी हमारा PCP कोर्स लगा हुआ है, उसमें हमने गोभी सरसों लगाई हुई है 5 कनाल एरिया में, उसमें हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ किया है। जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है और कैल्शियम भी है, तो तीन एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं अगर हम एक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो सल्फ़र है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑयल सीड्स क्रॉप्स में। थैंक यू।